हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हो जीनियस मॉमी। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जिसकी भी आईब्रो बहुत ज़्यादा मीन्स कम रहती है, हल्की रहती है, और आईब्रोज के बाल भी बहुत कम होते हैं, ग्रोथ कम होती है, आईलैशेस के हेयर्स भी झड़ रहे हैं, हल्की से आँख ऐसे रगड़ने से ही बाल गिर जाते हैं, तो ऐसे लोग क्या करें कि जिससे उनकी जो आईब्रो की ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे से हो जाए और उनकी आईलैशेस के हेयर भी बिल्कुल ना गिरे। तो इसके लिए बहुत ही आसान से टिप देने वाली हूँ। इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। तो इसमें मैं कुछ टिप्स बता रही हूँ, फटाफट से फॉलो कीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप अपने फेस को अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए। फेस को वॉश करने से क्या होता है कि सारी गंदगी फेस की निकल जाती है। इसके बाद आप अपने आईब्रो और आईलैशेस को कच्चे दूध से साफ कर लीजिए। मतलब एक कटोरी में आप कच्चा रॉ मिल्क ले लीजिए, जिसको गर्म ना किया हो, तुरंत पैकेट कट कीजिए। थोड़ा सा 2 चम्मच दूध ले लीजिए, थोड़ा सा कॉटन ले लीजिए, रुई, और उसको टिप करके अपनी आईब्रो को और आईलैशेस को एकदम क्लीन कर लीजिए। इससे क्या होगा, सारी गंदगी निकल जाएगी। फिर उसके बाद में हल्के से पानी के छींटे मार के फिर से थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, आंखों को क्लीन कर लीजिए, क्योंकि कुछ लोगों को मिल्क की स्मेल या चिपचिपापन अच्छा नहीं लगता, इसलिए बोल रही हूँ। इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको ले लेना है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल और बादाम का तेल, ये दोनों ही जो है हमारी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे असर करते हैं। इनका इफेक्ट बहुत ही अच्छा होता है हमारी हेयर ग्रोथ के लिए। तो आपको क्या करना है, 2 बूंद कैस्टर ऑयल ले लेना है एक कटोरी में, और 2 ही बूंद इसमें बादाम का तेल हमें मिक्स कर लेना है, और अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। और अपनी उंगलियों की मदद से अपने आईब्रो वाले एरिया पे अच्छी तरीके से ऑयल लगा करके मसाज कीजिए, और आईलैशेस पे भी हल्का सा लगाइए, इस तरीके से मसाज कीजिए, और इसे सारी रात ऐसे ही छोड़ दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी आईब्रो की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो, जल्दी हो, फास्ट हो, तो ऐसा नहीं है कि आईब्रो में बाल कम है तो आप थ्रेडिंग ही ना बनवाएं। आपको अपनी आईब्रो की ट्रिमिंग करवाते रहना चाहिए, आपको हमेशा अपने आईब्रोज को शेप देते रहना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि वहाँ के फॉलिकल्स ओपन होंगे और आपको हेयर, वहाँ के हेयर ग्रोथ में आपको मदद मिलेगी आईब्रोज के। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, चलते हैं, बाय बाय।